हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिया जीके क्लास। तो आम आरआई एआरआई एसएफएस आउ यू आम है अंगनवाड़ी सुपरभाइजर यह सब आम क्लास चलती। तो आम आज क्लास रही इंडियन पॉलिटी विषय। तो इंडियन पॉलिटी विषय बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह विषय ट्वेंटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा। तो देखा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड कैबिनेट मिशन फॉर्म, कैबिनेट मिशन केवे फॉर्म होता। तो यार जो राइट आंसर हम ये 1946 कैबिनेट मिशन आम भारत को आसाला जो थी कि आम तीन जन मेम्बर थी। तो फास्ट है एवी अलेक्जेंडर, आज जो है सार फेथिक लॉरेंस, आज जो है सार स्ट्राफोर्ड क्रिप्स। तो यूर एवी अलेक्जेंडर थी आम एवी अलेक्जेंडर थी प्रेसीडेंट अफ बोर्ड अफ ट्रेड, आथिक सार फेथिक लॉरेंस थी आम सेक्रेटरी अफ स्टेट, आउ सार स्ट्राफोर्ड क्रिप्स ये थे आम फास्ट लॉर्ड अफ आडमिरलिटी। तार नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, बाय हुज रिकमेंडेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मड, कहार रिकमेंडेशन रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आम फॉर्म होता। तो ये कहार रिकमेंडेशन होता ना कैबिनेट मिशन रिकमेंडेशन आम आसाला कौन ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होता। आम क्रिप्स मिशन आसाला के क्रिप्स मिशन आसाला 1942 क्रिप्स मिशन आसाला। तार नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म होता है टोटल कत मेंबर आम थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग जो मेंबर फर्स्ट मीटिंग थी ए टोटल 389 मेंबर थे, आउ ए 296 नेशनल कांग्रेस रु, आउ बाकी 73 थे मुस्लिम लीग रु। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हेन फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग आम के। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग होता आम 9 December 1946 रे, आउ ये सरला के ना 26 November 1949 सरला। ये आम जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता यार फर्स्ट प्रेसिडेंट आम होते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आम परमानेंट मेंबर परमानेंट प्रेसिडेंट किए थे पचार पूर्व कहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जहाँ मानक प्रेसिडेंटशिप जिते भी आम मेम्बर थे 389 मेम्बर थे शपथ प्रेसिडेंटशिप शपथ ग्रहण करते हटे आम डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद को कराला आम परमानेंट प्रेसिडेंट बोली कराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु वाज दि चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आम बहुत गुड कमिटी थी टोटाल देखा तो टोटाल 22 आम असेंबली मैंने कमिटी थी। तो ये कमिटी भितर आम गोटे कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमिटी। तो ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए थे डॉक्टर बी आर आंबेडकर थी, से भाई आउ गोटे कमिटी थी जोटा कि आरभीजी कमिटी, तार आम चेयरमैन थी आम सरदार पटेल तार हेड थे चेयरमैन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को केबे अडॉप्ट करा गला। देखो फर्स्ट मीटिंग हेतिला 9 December 1946 रे, ये सरला बाकाबे केते ना 26 November 1949 रे सरला, आ सेही दिन ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ताको अडॉप्ट करा हेतिला। तो आंसर हबो 26 November 1949। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ता को दिन फोर्स को बा कार्यकारी को दिन टू हेला। तो यार जो आंसर हम आम देखिले 26 November 1949 आम संविधान कार्य सरीगला, कि अडप्ट फोर्स को आसला ना 26 January 1950 आम ये फोर्स को आसला, कारण 26 January आम पूर्ण स्वराज प्रस्ताव अनुमोदित होता तेनाली मन रखापी आम 26 January 1950 को आम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते फोर्स को आसला। आ 26 November 1949 जो आम कॉन्स्टिट्यूशन टा अडॉप्ट होता ये 26 November को मध्य कॉन्स्टिट्यूशन डे भाव पालन करूँ। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आम ऑब्जेक्टिव एम एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किए आगत करते संविधान रे। तो यार जो राइट आंसर हम ये हम जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू आम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आनी थे केबे ना 13 December 1946 9 December आम फर्स्ट मीटिंग है 13 December जो मीटिंग है से आम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू आनी थे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, फॉर हाउ मच टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क, केते मास बा केते समय पई हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करथिला।
तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स अमर आरंभ होला केते ना 9 डिसेंबर 1946 रे आरंभ होला सरीला 26 नवंबर 1949 रे सरीला तो जदि हम ये अप्रोक्सीमेट देखिबा तले माने अप्रोक्सीमेट 3 इयर्स हो आ जदि पूरा एक्चुअल देखिबा तले हबो 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज टोटल लागथिला आ 12 दिन हेथिला मतलब पूरा 3 इयर हे रहथंदा तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच वर डिड नॉट इंक्लूडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 42nd जो अमेंडमेंट हेथिला 42nd अमेंडमेंट रे थ्रू को वार्डटा माने इंक्लूड करा हेनी 42nd अमेंडमेंट के भेदिला ना 1976 रे हमर होइतिला 42nd अमेंडमेंट तो 42nd अमेंडमेंट रे हमर तीनटा वार्ड कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रीएम्बल रे आर करा होइतिला से कोन कोन ना सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी ए तीनटा वार्ड को हमर संविधान रो प्रीएम्बल रे आर करा होइतिला किंतु डेमोक्रेटिक नहीं तेणु ए 42nd अमेंडमेंट रे आहुरी बहुत किछ मध्ये आर करा होइतिला तेणु याकु मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये कहा जाय तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देयर आर हाउ मेनी आर्टिकल्स इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमर जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जोटा के हमर 26 नवंबर रे अडॉप्ट होला सेथिरे एही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने हमर केतिटा आर्टिकल थिला बोली पचारछि तो केतिटा आर्टिकल थिला ना 395 टा आर्टिकल हमर थिला वर्तमान पाखा पाखी 400 पार हे गेलानी किंतु आगरु ओरिजिनल ले 395 टे थिला आथरे टोटल 22 टा पार्ट थिला आ 8 टा शेड्यूल थिला वर्तमान 12 शेड्यूल अछि किंतु सेतेले 8 टा शेड्यूल थिला तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट फॉर्म अडॉप्टेड फ्रॉम व्हिच कंट्री आम इंडिया रे जो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अछि एटा को कंट्री रु अडॉप्ट करा हिची ओरा कोठ अडॉप्ट करा हिची ना हमर ब्रिटेन रु अडॉप्ट करा हिची पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे कोन हुए ना थरे दि जण हेड थांती जण होछि नॉमिनल हेड आ जण होछि एक्चुअल हेड नॉमिनल हेड होछि प्रेसिडेंट हमर एक्चुअल हेड होछि प्राइम मिनिस्टर तेनो ब्रिटेन रु हमर ए पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टा अडॉप्ट करा हिचिला ब्रिटेन रु मध्ये आहुरी अडॉप्ट करा हिचिला जेमते हरी सिंगल सिटीजनशिप बाई कैमरालिज्म ए सब मध्ये ब्रिटेन रु हमर अडॉप्ट करा हिचिला तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देयर आर हाउ मेनी हेड इन पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट जो जेने कहली पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे दुई जन माने देशर मुख्य थांदी जने होसन नॉमिनल हेड जे कहसन प्रेसिडेंट आ जने होसन एक्चुअल हेड जे कहसन प्राइम मिनिस्टर तो आंसर हो जइबो दुई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा PM and his ministers are answerable to whom for their actions. तेनो अमर प्राइम मिनिस्टर और से मनकर मंत्रिमंडल तंकर कार्य पई कहा निकट रे उत्तरदायी रहिबे आंसरेबल रहिबे तो माने कहा कट रे आंसरेबल रहिबे माने लोअर हाउस पाखे रे आंसरेबल रहिबे तंकर कार्य रे जहा भी त्रुटि हो लोअर हाउस रे ही डिस्कशन चलिबो कारण माने सब PM हेले बा जे कोन से मिनिस्टर हेले माने सब लोअर हाउस रे ही इलेक्शन लड़ थांती तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच मोशन व्हेन पास्ड इन पार्लियामेंट देन प्राइम मिनिस्टर इज बाउंड टू रिजाइन कोटा गोटे मोशन जोटा कि पार्लियामेंट जदि पास हुए तले प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दक बाध्य तेटा कोन ना नो कॉन्फिडेंस मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन कोन ना जदि गोटे पार्टी विरोध रे माने अमर जे विपक्षी दल थिबो ताकू लागिला जे पार्लियामेंट रे ये माने जे क्षमता दल अछि ए क्षमता थिबा दल रे से निजर कॉन्फिडेंस हरे दउछि निजर आस्था हरे दउछि अमर पार्लियामेंट रे तेणु तांको विरोध रे अमर विरोधी दल नो कॉन्फिडेंस मोशन आनी परिबे प्रिविलेज मोशन कोन ना संविधान रे बा अमर पार्लियामेंट रे प्रत्येक मेंबर को किछि किछि प्रिविलेज दे थाय जेम दिखला फ्रीडम ऑफ स्पीच दे थाय रे तन फ्रीडम ऑफ स्पीच दे हला भितरे ताकू जदि अवरोध करि कि से माने अलवा किछि कहंती बा किछि असभ्य आचरण करंती से प्रिविलेज मोशन जरिया रे तांकू मध्य संविधान रो बा पार्लियामेंट रो बहिष्कृत करा दे परिबो सेटा को जे प्रिविलेज मोशन तेणु आमर राइट आंसर कौन हम ना नो कॉन्फिडेंस मोशन तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन व्हिच गवर्नमेंट सो डिविजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर को प्रकार गवर्नमेंट रे आमर स्टेट और सेंटर भितर पावर डिविजन टा देखा जाए तो यहाँ कौ गवर्नमेंट ना फेडराल गवर्नमेंट फेडराल गवर्नमेंट रे आमर पूरा ग्रासरूट लेवल पर्यंत मैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन टा होता है तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाई इंडिया ए सेमी फेडराल कंट्री सेमी फेडराल तो कह क्वेश्चि फेडराल कहुए क्वेश्चि फेडराल सेमी फेडराल कौन कहुए ना ये आम सेन्टरटा मोर पावरफुल होता है मैं स्टेट अफ आज्ञा तेनाली मैं फेडराल कंट्री तो अच्छी किंतु फेडराल हेले मैंने पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होनी स्टेट आउ सेंटर भितर पावर सेन्टर को अधिक पावर दि जाए तेनाली क्वेश्चि फेडराल सेमी फेडराल कंट्री बोली कहुए आपको कही किए ना आम जन संविधान व्यक्ति अच्छा केसी हायर के मत इंडिया इज ए क्वेश्चि फेडराल कंट्री बा सेमी फेडराल कंट्री तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
इन ह्विच आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज मेंशनड को आर्टिकल हमर फ्रीडम ऑफ रिलीजन विषय रे कहा जाय छी तो जदि हम देखिबा हमर फ्रीडम ऑफ रिलीजन तले एटा क्वेश्चन आसु छी ना हमर फंडामेंटल राइट रे आसु छी तो फंडामेंटल राइट कथा जदि देखिबा तले हमर फंडामेंटल राइट टा आर्टिकल 12 रु आर्टिकल 35 भीतर लिखा आइ छी हमर तो जदि हम एथु देखिबा सब तक तले आर्टिकल 14 रु 8 भीतर लिखा 18 भीतर लिखा आइ छी हमर इक्वालिटी बिफोर लॉ तापर आसीबो 19 नु 22 नु 22 ये आसुची मोर फ्रीडम तापर आसीबो 23 आउ 24 23 आउ 24 ये कोची राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन कथा तापर आसीबो जदि देखिबा तले 25 रु 28 आसीबो फ्रीडम ऑफ रिलीजन तापर आसीबो 29 आउ 30 ये आसीबो मोर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट तापर आर्टिकल 32 लास्ट आसीबो जोटा कहूँ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन ह्विच पार्ट फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन एंड आर्टिकल मैंने संविधान कौ पार्ट्रे जानते टोटाल 22 पार्ट अच्छी तो 22 पार्ट भितर कौ पार्ट्रे फंडामेंटल राइट कथा लिखाई तब कौ पार्ट्रे ना ये हूँ आम थर्ड पार्ट्रे लिखाई तो जब हम देखा फर्स्ट पार्ट्रे लिखाई यूनियन एंड टेरिटोरी कथा लिखाई सेकेंड पार्ट्रे लिखाई आमर सिटीजनशिप विषय लिखाई आउ आम थर्ड पार्ट कहला फंडामेंटल राइट विषय लिखाई फोर्थ पार्ट रे हमर लिखा है डीपीएसपी विषय लिखाई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिखाई है आउ फोर्थ ए आईबीए बा फोर्थ ए विषय ए थे लिखाई है हमर फंडामेंटल ड्यूटी विषय लिखाई है तो ये थिला पॉलिटी रो बा बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो हमर टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जदि वीडियो टे पर्यंत भल लागी तले वीडियो टी को लाइक करंतु संग मानक स शेयर करंतु आ हमर चैनल पे नुवा आस्तिले चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु तो देखा हो फिर नेक्स्ट वीडियो में से पर्यंत रहूँ धन्यवाद।